अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज क्या बन रहे हैं हमारे किचन में सुबह सुबह। आज हम बना रहे हैं चिकन का कीमा और पूरियां, और मैंने पहले से बना के रखी हुई है खीर, उसका आज हम नाश्ता करेंगे। आज है संडे, तो हैप्पी संडे। ये मैंने स्लाइस करी हुई प्याज अभी अभी मैंने स्लाइस की है, मैं इसको डालूँगी ये गर्म किए हुए ऑयल में। बहुत मज़ेदार सा आज इंशाल्लाह नाश्ता होगा हमारे यहाँ, बहुत अच्छा मज़ेदार सा चटपटाता जो है वो कीमा बनेगा। बना रही हूँ मैं। आज हज़रत इमाम जाफर की न्याज का दिन है, और इसलिए हम न्याज दिलवाएंगे खीर और पूरी पर, तो इसलिए मैं सुबह ही ये बना रही हूँ कीमा भी बना लेंगे। पूरियाँ हैं, खीर है, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा और कुछ अच्छा हो जाए। तो रखे हुआ था कीमा, रखा हुआ था चिकन का, तो मैंने सोचा कि चलो बनाए क्या बनाए। हस्बैंड से पूछा तो वो कहने लगे कि ऐसा करो कीमा बना लो चिकन का, पूरियों के साथ अच्छा लगेगा। चलो जब तक ये प्याज थोड़ी सी मुलायम हो जाएगी, सोते होने लगेगी, तो फिर इसको इसमें हम और भी चीज़ें डालेंगे। तो जब तक मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो मेरे पास थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है और जीरा लिया है, इसको मैं कर लेती हूँ अच्छी तरीके से ग्राइंड। बस इसको थोड़ा मोटा मोटा सा इसको मतलब ग्राइंड करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। और मेरे पास है ये लहसुन और अदरक, इसको भी मैं पेस्ट बना लूँगी। और है मेरे पास कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, साबुत गरम मसाला, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंगे, ये तीनों चारों चीज़ें हैं। गार्निशिंग के लिए हमारे पास है धनिया, और ये हमारे पास नमक और हल्दी और दो तीन टमाटर। टमाटर में कमी डालूँगी, मुझे अच्छे नहीं लगते कीमे में। चलो तो पहले मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। जी जनाब, इसको मैंने कर लिया है ग्राइंड, देखिए बिल्कुल बारीक नहीं किया मैंने। और अब मैं पीस लूँगी ये लहसुन और अदरक इसके अंदर। प्याज ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है, हल्की हल्की सी मुलायम होने लगी है, और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें अच्छे अच्छे सी मुलायम हो रही है। तो अभी और थोड़ा सा इसको मुलायम करेंगे, उसके बाद डालेंगे इसके अंदर हमें जो भी इंग्रेडिएंट डालने हैं। जी जनाब, ये हो गई है मुलायम, अब ये वरना ब्राउन होने लगेगी, इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल कर दी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमारी जो विंडो है ना, इसमें से बहुत तेज़ रोशनी आती है, आपको दिख रही है। ओके, मैं ऐसे करती हूँ, इसको क्लोज़ कर देती हूँ। तो ये मसला हमारा बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। ये मैंने देखें इसको क्लोज कर दिया था, नफ्स करा दिया था। अच्छा जी, तो ये देख रहे हैं, और बहुत मज़ेदार से खुशबू आ गई थी। जब प्याज के ऑयल के अंदर जब लहसुन अदरक का पेस्ट डलता है, वो कुछ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है, उधम लगती है भाई। अच्छा, तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी चिकन का कीमा, तो मैं लेकर आती हूँ और इसमें डालती हूँ। तो जी जनाब, ये इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है चिकन का कीमा, और इसमें भी मैं चला रही हूँ चम्मच, और बहुत आवाज़ें आ रही हैं इसमें से चिल्लाने की, गरम गरम बर्तन में से छूँछाँ। और ये देखें, अब ये इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वाइट वाइट होना शुरू हो जाएगा। बहुत लजीज बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी। और ये कटोरे धनिया और जीरा, ये चला रहे हैं उसमें चम्मच, और ये कर रहे हैं मसालों को मिक्स। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, पानी शामिल करके रखूँगी, मैं इसके अंदर शामिल करने लगूँ पानी। चेक, वाह क्या कलर और बहुत खुश हुआ है। अच्छा जी, तो इसके अंदर अभी मैंने इसको चेक किया, इसके अंदर अभी भी बहुत सारा पानी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ढक के रख देती हूँ और लो फ्लेम पर इसको पकाती हूँ, जब तक हम और कोई दूसरा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये पक जाएगा फिर इसको मैं दिखाऊंगी दोबारा से कि कैसा खूबसूरत सा मज़ेदार सा बना, इसकी खुशबू अभी से ही बहुत मज़ेदार से आ गया। जब तक होता है हमारा ऑयल गरम, कीमा हो गया है रेडी, और इसको मैं करने लगी हूँ डिश आउट।